ये जो देखो शांति से सुनो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, आइटम मॉलिक्यूल साइन केमिस्ट्री का एक चैप्टर है ना, तो इसमें मेरा दो चैप्टर खत्म हो जाएगा। आइटम मॉलिक्यूल साइन में हम लोग क्या एटॉमिक का स्ट्रक्चर भी खत्म कर लेंगे है ना। एटॉमिक का स्ट्रक्चर क्या होता है, आइटम का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे है ना। तो आइटम का आइटम क्या होता है बता दिया स्टार्टिंग में है ना, आपको स्टार्टिंग में आइटम क्या होता है बता दिया है ना। आइटम का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। आइटम के अंदर कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, आइटम के न्यूक्लियस में रहता है। तो ये आप सारा का सारा क्या आइटम है। ठीक, नेक्स्ट बाबू, आप सारा का सारा आइटम में खेला किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। सारा का सारा जितना भी है ना बाबू है ना, ये बाबू जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है इलेक्ट्रॉन करता। तो इलेक्ट्रॉन का हम लोग क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट सेल में। तो इसी को अरेंजमेंट को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फिगर करेंगे। उसी को हम लोग नाम क्या दिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिए। क्या दिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नाम दिया है ना। तो आपको बाबू कल बोले थे भोला मेरा 1 से लेकर 18 तक है ना, 20 तक ऐसे बोले थे ना बनाने के लिए। तो इस बच्चा में जिस जिसका नहीं है वो सावधान हो जाना, ठीक है ना। बिट्टू का नहीं है खाली, किसका आया इसमें, किसी का होमवर्क, ईशांत का आया है, और एगो ज्योति भेजी है, गुनगुन भेजी है, दो तीनों को तो भेजिए कि ना, शिवानी भेजिए, कोई नहीं भेजी है हम भैया ना। सर, क्या हम भेजें सर, भेजे हो बाबू, कहिए भेजा। कल हाँ जी भेजे थे चलो, सर। हाँ कल, हाँ आपका सुबह चेक किया था लगता। तो हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे बाबू, आपको आइटम को क्या करना, अरेंज करना। तो आपको कल बताए थे एक फार्मूला बाबू है ना, अभी रिकैप करवा रहे थे। किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना रहता है, 2n2। किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है कितना होती है, 2n2 है ना। 2n का मतलब पहला सेल में सर, पहला सेल में कई इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। तीसरा में कितना रहेगा, 18 रहेगा। चौदह में फोर्थ में कितना रहेगा है ना, 4 2 32 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये आपको बताए थे, उसी के अनुसार आपको क्या करना, इलेक्ट्रॉन का फिलअप करना। और क्या बताए थे, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कल रूल बताए थे। ऐसी नहीं कि जैसे मन तैसे भर देना, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से भरना है ना, अंदर से फिलअप करते चलना है ना, मतलब के सेल से है ना। बाबू जो न्यूक्लियस के सबसे पास होगा उसको हम लोग के सेल कहेंगे, उसके अगला वाले को एल सेल, उसके अगला वाले को एम सेल, उसके अगला वाले को एन सेल कहेंगे है ना। ठीक है ना, तो आप लोग को बुक में दिया रहेगा के सेल में कई इलेक्ट्रॉन, एल सेल में कई इलेक्ट्रॉन, एम सेल में कई इलेक्ट्रॉन, एन सेल में कई इलेक्ट्रॉन है ना। तो इस तरह से निकाल लोगे, के सेल एम सेल निकाले का, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रा करना है ना बाबू, ऐसे बनाना आप, के सेल एल सेल एम सेल का इलेक्ट्रॉन से निकालना। ठीक, आवाज जा रहा है रोशनी, दिख रहा है बाबू, अब बोले बाबू रोशनी। चलो यस सर, हाँ बोले, मन से पढ़ना। तो अब आपको क्या करना बाबू, आर्गन का हम लोग आर्गन का शुरू करते हैं। लगभग 16 17 तक फिलअप हो गया था है ना बाबू, हम लोग 11 तक किए थे, बाकी आपको बताया था कि करके लाने थे, 5 को भेजा। आर्गन का देखो कितना होता है एटॉमिक नंबर, आर्गन से समझो, और इसमें थोड़ा थोड़ा बाबू आपको समझते चलना। कल आपको छोड़े थे रूल नंबर थर्ड और फोर्थ, किस समय के लिए छोड़े थे बोले थे कल बाबू, कि रूल थर्ड और फोर्थ को हम लोग ये स्कैंडियम से यूज करेंगे है ना, फिफ्थ नंबर रूल वो भी यूज करेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखो। तो रूल नंबर थर्ड मेरा क्या कर रहा था, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बाबू 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। कल बाबू ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का रूल 4 को लिखा है ना, 5 को जी। तो तीसरा नंबर रूल क्या लिखा है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बाबू 3 या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। ठीक, फिर अगला रूल क्या लिखा था बाबू, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में बाबू है ना बाबू 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी रहेगा वो, जो प्रीवियस ऑर्बिट क्या रहेगा, फिल रहेगा, फुल फिल रहेगा, प्रीवियस जो सेल है ना, पीछे वाला जो उसका सेल है भरल रहेगा, कुछ नहीं समझ में आया, छोड़ो रहने दो, आ जाएगा समझ में, बर्दाश्त करो। तो आर्गन का कितना इलेक्ट्रॉन है, शांति सब समझते चलना। आर्गन के पास एटॉमिक नंबर 18 होता है, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सिखाएं। तो 18 इलेक्ट्रॉन को आपको भरना है, तो 18 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरोगे, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 18 को आपको भरना है, तो पहला सेल में क्या मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो पहला में 2 गो हो गया, तो 18 में 2 गो हो गया, बाकी कई गो, 16 को बचा। दूसरा सेल में मैक्सिमम कई इलेक्ट्रॉन रहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरा सेल में मैक्सिमम कई गो रहेगा जी, 8 गो रहेगा है ना। तो कई गो यूज कर लिया, 2 8 10 को यूज कर लिया, फिर सर तो बचा कैगो बाबू, 8 को बचा। तो तीसरा सेल में मैक्सिमम कितना चल जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन चल जाएगा। तीसरा सेल में क्या चल जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन चल जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट जितना इलेक्ट्रॉन रहता वही उसका क्या कहलाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8 हो गया, वैलेंसी निकाल दो। आर्गन मेरा क्या होता है, आपको बताया था बाबू हीलियम नियोन आर्गन, तो नियोन का भी वैलेंसी 0, आर्गन का भी वैलेंसी क्या होगा, 8 - 8 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक बात है, अब आगे समझना, आगे समझना है ना, आगे अब समझो है ना, अब यहाँ से समझो। इलेक्ट्रॉन हमने फिलअप नहीं किया बाबू है ना, समझाने के लिए नहीं फिलअप किया है ना। अब आ जाओ बाबू, पोटेशियम है, पोटेशियम का कितना होता है, 19 होता है एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना 19 है। तो 19 है भोला, तो आपके पास 19 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करो, तो पहला सेल में कई इलेक्ट्रॉन भरेगा, 2 इलेक्ट्रॉन।
तो 19 में दो गो घट गया, कई गो बचेगा, 17। 19 में दो गो भर बच 17 बचेगा ना जी, दो इलेक्ट्रॉन भर दिया आपके पास, टोटल 19 इलेक्ट्रॉन है। तो दूसरा सेल में मैक्सिमम कितना जाएगा, 8 गो, दो दो चार, दो छो और दो आठ। तो के सेल में दो इलेक्ट्रॉन और एल सेल में कई इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तो दो गो हो गया, शांति समझो, दो इलेक्ट्रॉन और प्लस 8 इलेक्ट्रॉन, दो गो पहले सेल में भर दिया, दूसरा सेल में 8 गो भर दिया है ना, दो गो भर दिया फिर 8 गो भर दिया, ठीक, शांति समझने चलना। आपके पास 19 है, कई गो है, 19 गो, 19 गो, ठीक। तो दो आठ 10 हो गया, 9 गो घटा। अब शांति से यहाँ समझो, तो 9 गो घटा बाबू, तो 9 गो ये तीसरा सेल में भर दो, तीसरा सेल में मैक्सिमम कई इलेक्ट्रॉन रहेगा, 18 गो रहेगा तीसरा सेल में मैक्सिमम। यहाँ पे समझना है बाबू, तीसरा सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा, कैसे सर, 2n² से। पहला सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से ज्यादा नहीं रह सकता, दूसरा सेल में मैक्सिमम 8 गो से ज्यादा नहीं रह सकता, दो है ना, दूसरा सेल में मैक्सिमम 8 गो से ज्यादा नहीं रह सकता, तीसरा सेल में मैक्सिमम कई गो, 18 गो रह सकता। तो पहला में तो 2 गो भर दिया, दूसरा में 8 गो हो गया, तो तीसरा सेल में कई गो भरेगा, 2 8 10 हो गया, आ दो आठ दस हो गया ना बाबू, 18 गो रहेगा। तो कई गो बच रहा है, कई गो बच रहा है, 9 गो बच रहा है, 19 के लिए 9 बच रहा है। तो तीसरा सेल में कई इलेक्ट्रॉन भरेगा, 9 इलेक्ट्रॉन, शांति समझना यहाँ पे। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, यही तो हम सोचेंगे ना जी, हम लोग तो ऐसे ही सोचेंगे ना सर। बेटो वीडियो ऑन करो, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन सर, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन सर, दूसरा में 8 गो सर, तीसरा में 9 गो, 19 गो हो गया ना, हाँ सर यही तो सोचेंगे, ठीक ठीक तो ऐसे भरोगे तो क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो, गलत हो जाएगा। आपको कल रूल नंबर 3 लिखा था, किस दिन के लिए, इसी टाइम के लिए लिखा, तो कि कैसे? बाबू बता रहे ना भोले, आपको रूल नंबर कल 3 इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन का बाबू, जो रूल 4 को लिखाए थे, किस दिन के लिखा, इसी समय के लिए लिखाए थे ना, इसी समय के लिए लिखाए थे। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि आउटर मोस्ट सेल में, अगर इसमें भोला, शांति समझना, ये मेरा क्या हो गया, आउटर मोस्ट सेल में 9 इलेक्ट्रॉन भर दिया भोला भोली, तो ये आउटर मोस्ट सेल हो गया, तो आउटर मोस्ट सेल में क्या हो गया, 9 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो रूल नंबर 3 आपका क्या कहता है, जो बाबू आप पुआव का प्रिंसिपल था ना पीछे, साइंटिस्ट, ये हम अपने मन से थोड़ी भर दिए, साइंटिस्ट ने बाबू ऐसे कर करके बोला कि ऐसे करके भरना है ना। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है कि आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, और आप 8 आउटर से, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, 9 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन। और क्या कहता है रूल नंबर 3 आपको कल बताए थे ना, वो क्या कहता है, 8 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये रूल क्या हो गया, वायलेशन हो गया, ठीक है ना, तो रूल वायलेशन हो गया बब्बू है ना। तो इसीलिए रूल को वायलेट करने को 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करो, हटा दो, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करो, 8 से ज्यादा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, समझते चलना जी, नहीं तो यहाँ से कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अभी 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना, 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बच रहा है, 2 हो गया 8 हो गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन अब कहाँ जाएगा, नानी घर नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन अब अगला सेल में जाएगा, के सेल, एल सेल, एम सेल के बाद जो एन सेल आएगा, इसी में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसी में क्या आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। यहाँ तक कहानी पूरा पहले मन से सुन लो और लिखना बाद में, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, पोटेशियम का था, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर लिखना रहेगा के सेल एल सेल का, तो कैसे होगा है ना, कैसे हो जाएगा, 2 हो जाएगा, पहला सेल में कई इलेक्ट्रॉन आया, 2 इलेक्ट्रॉन, के सेल एल सेल एम सेल में अगर लिखना चाहेगा, के सेल एल सेल एम सेल और एन सेल, तो के सेल में कई इलेक्ट्रॉन, 2, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम सेल में कितना, 8 इलेक्ट्रॉन, और एन सेल में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया, पोटेशियम का हो गया, ये क्या हो गया, पोटेशियम का हो गया, 2 8 8 1 होता है इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन, पोटेशियम का क्या होता है, 2 8 8 1 होता है, ठीक है ना। अगर आउटर सेल में 9 इलेक्ट्रॉन भर दोगे तो रूल नंबर 3 क्या होगा, वायलेट हो जाएगा, रूल नंबर 3 क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता है ना, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट समझना सर बोला, पूरा सब पूरा 18 हो तो सर 18 तो है ना अर्गन जी, पूरा 18 है तो जी, 96 से आएगा सर। ठीक है ना, नहीं पूरा सर, जो थर्ड थर्ड सेल है सर उसमें पूरा 18 हो तो सर। 18 थर्ड सेल में तभी रहेगा बाबू, जब आउटर सेल में क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन और प्रेजेंट रहेगा, फोर्थ फिफ्थ सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा, तभी 18 होगा, देखो ना अभी आप धीरे धीरे आ जाएगा, बर्दाश्त करो ना, अभी 30 तक हम लोग जाएंगे ना। नेक्स्ट कैल्शियम है, तो कैल्शियम में बोला, तो कैल्शियम में फिर उसी तरह सोचेंगे, शांति से समझते चलना। कैल्शियम में बाबू पहले आराम से देख लो, तो कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 गो हो गया सर, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, दूसरा सेल में 8 गो भरो, 2 2 4, 2 6 और 2 8, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक।
20 है तो 2 8 10 हो गया, 10 हुआ तो 10 गो और है तो तीसरा शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तीसरा शेल मैक्सिमम कितना 18, तो 10 तो 10 को तो भर सकते हैं सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे तीसरा में 10 सेल भर दो इलेक्ट्रॉन भर दिया तो आउटर मोस्ट सेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। रूल नंबर थर्ड आपका क्या कहता है, आउटर सेल में कल रूल लिखा था कि 8 को से ज्यादा नहीं रहेगा, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा हटेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा हटेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटेगा तो वो कहाँ जाएगा, अगला सेल में जाएगा, कहाँ जाएगा अगला सेल में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हट के ये कहाँ जाएगा अगला सेल में जाएगा। शांति समझना, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हटेगा वो कहाँ जाएगा अगला सेल में जाएगा। तो इसका कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेगा आप लोग बुक में देखना, कैल्शियम का कैसे लिखल रहता है, 2 8 8 2 है ना, इस तरह से मतलब के सेल में 2 गो, एल सेल में केल सेल, एम से एल सर सेल, एन सेल एन आर्गन सेल। कभी दिया हुआ बुक में? सर अच्छा दिल रहता है ठीक है ना, इसका भी कैसे रहेगा, इसका 18 है तो 18 इस कैसे 2 8 8 रहेगा है ना, इस तरह से पहला यस के सेल सर रिप्ले। ऐसे दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, पहला के सेल बताता है, दूसरा एल सेल बताता है, फिर एम सेल बताता है, ये 2 8 है ना, तो ये कौन सेल बताएगा, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल बताएगा है ना, तो ये आपका किसका हो गया कैल्शियम का हो गया। नेक्स्ट शांति से समझना, जगह है जी। अच्छा 2 गो लिखो, 2 गो लिखो, ये 3 गो कैल्शियम के लिखो, यहाँ पे बता रहे हैं इसको बता रहे हैं स्कैंडियम को बता रहे हैं, लिखो जल्दी से। कौन गया जी, ये वो बच्चा जी, स्कैंडियम से समझना, बोलो बाबू शिवानी क्या बोलना चाह रही हो, शिवानी सर दिख नहीं रहा कुछ। कहा बाबू इतना बोला रहे जी, सर स्कैंडियम का भी वैसे ही बनेगा ना? नहीं बाबू स्कैंडियम में रूल नंबर 4 लिखा है थे ना बाबू, वो वाला आप अप्लाई करो। गौरव गया जी, गौरव शांति से समझते चलना बाबू, इतना समझ गया तो दिक्कत नहीं है, नहीं लिख पाए ग्रुप में भेज दिए हैं। गौरव तो है ही है, तो गया कौन बच्चा जी, शांतनी, सकता संजना, ज्योति, अच्छा ज्योति तो है ही है, बिट्टू, रोशनी, अनुज, नूज भी है, ठीक जल्दी लिखिए। नेक्स्ट स्कैंडियम से सीखो, स्कैंडियम में लास्ट वाला रूल बाबू रूल नंबर 4 बताए थे कि आउटर मोस्ट सेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। अब मेरे मन में आ रहा है सर ऐसे कर देते हैं, कैसे सर कैसे सर कैसे सर है ना, कैसे सर ऐसे बाबू ऐसे लिख लिया जी। चलो इरेज करते हैं, मेरे मन में ख्याल आ रहा है सर क्या आ रहा है बाबू, थोड़ा सा इसी को ऐसे सोच लेते हैं ना बाबू, ये सबसे आसान वाला चैप्टर है, इससे आसान कुछ नहीं है। देखो शांति से समझो, फिर समझो, कापी कलम छोड़ो बाबू, हम बुरबर स्वतः जो लिखे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, अब छोड़ो इसको, इसको समझो आगे क्या है सर। कैल्शियम का हमने लिख लिया बाबू 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक्सकैंडियम, स्कैंडियम कितना है 21 है, इसको समझो एक्सकैंडियम का समझो है ना ठीक। ये ज्योति वीडियो ऑन करो जी, ज्योति शैतान तुरंत मैडम ये सब वीडियो ऑन करो बाबू, स्कैंडियम का 21 है तो 20 कैल्शियम है ना सर, 13 मेरे को कर दीजिए ना, हो गए और कुछ 20, ये 20 यहाँ तक 2 गो है ये सर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ में भर दो है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ भर देते हो शांति समझना, तो ये 21 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 8 16 2 18 3 21, तो अगर इस तरह से सोचते हो तो फिर ये क्या हो जाता है गलत हो जाता है स्कैंडियम का बाबू, अगर इस तरह से 20 तक तो मेरा कैल्शियम है ये सर ठीक, अगर 21 ऐसे सोच लेते हो तो गलत हो जाता है। क्यों सर, क्योंकि रूल नंबर 4 आपको क्या लिखा है था, सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बाबू 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है ना बाबू, 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हम लोग नहीं भर सकते है ना,
आउटर मोस्ट सेल में बाबू दो इलेक्ट्रॉन से रूल नंबर चार आपको लिखाया गया था, कल लिखाया था ना जी, क्या कहता बाबू गुनगुन, पढ़ो रूल नंबर चार बाबू। सर नहीं समझ आ रहा है हमको ये वाला। लिखे रूल नंबर चार कल पढ़ो ना जी, लिखे भी नहीं किए बोली तो कैसे समझ में आएगा सर क्या चाल चाल। रूल नंबर चार द इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल मोर देन टू इलेक्ट्रॉन ओनली व्हेन इनर सेल इज कंप्लीटली फिल्ड। हाँ, अब इसी को यूज करना। मतलब क्या बाबू, देखो 20 तक की क्या है, कैल्शियम है, शांति से सुनेगा, 20 तक मेरा क्या है, कैल्शियम है सर। अब मेरे मन में ख्याल आ रहा बाबू स्कैंडियम का 21 होता है, स्कैंडियम का कितना होता है, 21 होता है ठीक, तो स्कैंडियम का 21 होता है सर, तो 20 इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में, एगो इलेक्ट्रॉन मार्क कर दीजिए, है ना, आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन कर दीजिए तो 21 हो जाता, हो गया मेरा स्कैंडियम, है ना, ये स्कैंडियम का हो गया। ऐसा सोचते हो, ऐसा सोचते हो तो गलत सोचते हो, क्यों सर, क्योंकि कल आपको रूल लिखाए थे, रूल नंबर चार क्या कहता कि आउटर सेल में बाबू दो से दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा बाबू तभी आप भरिएगा जब पीछे वाला सेल, अरे शैतान, आउटर सेल में तीन इलेक्ट्रॉन भर दिया तो आउटर सेल में तीन वो इलेक्ट्रॉन, दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी रहेगा जब इसके पीछे वाला सेल क्या होगा, फुलफिल होगा, बात समझो। तो इसके पीछे वाला सेल कौन है, ये है थर्ड सेल है, इसके पीछे वाला सेल क्या है, थर्ड सेल है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो रूल नंबर फोर्थ क्या करता, आपको कल जो रूल नंबर फोर लिखाए थे किस समय के लिए, इसी टाइम के लिए लिखाए थे, है ना, कल बोले थे ना बाबू कि रूल नंबर थर्ड और फोर्थ बाबू आपको 21 22 23 में समझ में आएगा, तो ये इसी टाइम के लिए लिखाए थे। रूल नंबर फोर्थ क्या लिखाए थे कि आउटर सेल में बाबू दो इलेक्ट्रॉन तभी रहे, दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी रखेंगे बाबू जब इनर सेल क्या होगा, फुलफिल होगा। तो इसमें मान लो अगर आप तीन इलेक्ट्रॉन रख रहे बाबू, इनर वाला सेल फुलफिल नहीं ना है, कैसे सर, इनर वाला सेल फुलफिल कहने का मतलब इनर वाला सेल क्या होना चाहिए, इसके पीछे वाला सेल कंप्लीट भरल रहना चाहिए, ये आउटर सेल हो गया तो इसके पीछे वाला थर्ड सेल, तो थर्ड सेल कंप्लीट कब भरेगा, जब इसमें बाबू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में कितना होता है, 18 होता, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन अगर भर जाएगा थर्ड सेल में तभी आउटर वाले सेल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिलअप करना, अदरवाइज दो से ज्यादा फिलअप नहीं होता। तो ये रूल नंबर फोर्थ था, कल आपको रूल नंबर बाबू फोर्थ लिखाए थे कि आउटर सेल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम लोग तभी भरेंगे जब इनर वाला सेल, आउटर के पहले वाला सेल फुलफिल हो जाए, तब फुलफिल कहने का मतलब क्या रहे, थर्ड सेल में फुलफिल कब होगा, तो थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तभी ना फुलफिल होगा, थर्ड सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रहता है सर 2n² से, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तभी इसमें क्या करना, आप इलेक्ट्रॉन दो से ज्यादा भरना, तो इसलिए बाबू स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होगा, तो समझो कितना होगा, इलेक्ट्रॉनियम कहते ना, पहला सेल में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में कई इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 और 2 8 10 हो गया, तीसरा सेल में कई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 है ना, 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है ना। अब मेरे मन में आ रहा है सर ये क्या हुआ, 8 8 16 2 18 और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर देते हैं, शांति समझना, तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर भर देते हो बाबू इस तरह से अगर बना देते हो स्कैंडियम का तो गलत हो जाएगा, क्योंकि रूल नंबर फोर को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। रूल नंबर फोर मेरा क्या कह रहा है सर कि आउटर सेल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी हम लोग भरेंगे जब आउटर सेल का पहले वाला सेल रहेगा फुलफिल रहेगा, फुलफिल कहने का मतलब कई इलेक्ट्रॉन में भरेगा, 18 इलेक्ट्रॉन भरेगा, तो 18 इलेक्ट्रॉन अंदर वाले में नहीं ना पूरा है, तो इसीलिए आउटर सेल में हम लोग दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, तो कई को रहेगा आउटर सेल में, दो ये इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो इसके अंदर वाला ऑर्बिट में भराएगा, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसके अंदर वाला ऑर्बिट में भराएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे है ना या स्कैंडियम का, तो कैसे होगा बाबू, पहला सेल में दो इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 8 9 है, 2 8 9 2 हो जाएगा स्कैंडियम का, कितना हो जाएगा, 2 8 9 2 हो जाएगा, है ना, ठीक ठीक नंबर ऑफ सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आउटर सेल में कई इलेक्ट्रॉन है, दो है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो है, वैलेंसी भी दो, तो ये स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक है, KSKLMN इस तरह से लिखो भाई, टाइटेनियम सर को बता, हाँ बोलिए, सर आप बोले थर्ड सेल में 18 होना चाहिए पर लेकिन आप तो 9 ही रखे हो। तो आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन पूरा पूरेगा था ना, वो टोटल इलेक्ट्रॉन में 21 गुना है जी, तो 19 को कैसे पूरा देगा, 19 को पूरा देता, 19 प्लस 18 प्लस 2 आपके पास है, कैसे इलेक्ट्रॉन है ना जी, आराम में बालो 18 को भर दोगे, आ तो ज्यादा नहीं हो जाएगा 19 से जी,
आपके पास है किसे बल्कि किसे इलेक्ट्रॉन है, किसे इलेक्ट्रॉन में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। देखो जी श्रुति से तान वीडियो ऑन कीजिए बाबू, एनु जॉन करो जी, अगला देखो समझाते। शुभ शैतान कैमरा डाउन करो। तो 21 से, इसीलिए आप लोग को स्कूल वाला टीचर बाबू 20 तक बता के छोड़ देता है, 21 से नहीं बताता है। कौन इतना टेंशन लेने जाता है, शरीर काले पतला करेगा। रूल नंबर 21 में क्या बोला कि रूल नंबर 4 तो वो वायलेट करेगा, आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन भर देगा तो रूल नंबर 4 तो वायलेट हो जाएगा। वायलेट क्या करा कि 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम लोग नहीं भरते हैं, बल्कि आउटर सेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे। अगर रखने का मन है तभी रखना, दूसरे ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी रखना जब अंदर वाला सेल क्या रहेगा पूरा भरल रहेगा। तब पूरा भरेगा तब ना बाबू, तब पूरा अंदर में 18 इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तब ना, 2 से ज्यादा करोगे। देखो नेक्स्ट बाबू, टाइटेनियम। टाइटेनियम का ऊपर बनाते हैं 22 नंबर। अब बड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं, फिर से बनाते हैं बाबू, जितना थकाना है थका। टाइटेनियम है ठीक, तो टाइटेनियम में बाबू क्या हो जाएगा, ये हो गया पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल। शांति से समझो, टाइटेनियम है ना ठीक। अब पहले शांति लिख लिया जी, लिखो इसको, लिखो इसको, इसके नेम का टाइटेनियम बताते हैं। हाँ हो गया सर। टाइटेनियम समझो, टाइटेनियम सर सैंपल ही लिखिए ना सर, केमिस्ट्री है। ठीक। देखो टाइटेनियम का कितना है सर, 22 है। टाइटेनियम का कितना है, 22 है। तो 22 इलेक्ट्रॉन भरो, शांति समझना। तो 2 इलेक्ट्रॉन सर, आप फिर आपके पास टोटल 22 इलेक्ट्रॉन है, यही इसी 22 को अरेंज करना है। तो 2 दूसरा में 8 को, 2 2 4 2 6 और 2 8 को, कई को इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 को हो गया ठीक। 22 को आया तो 12 को और बच रहा, तो इस सेल में कई हो रहा है, 2 2 4 2 6 2 8, 8 को हो गया है ना ठीक सर। अब 8 को हो गया तो 8 8 16 2 18, और ये आउटर सेल में हम लोग 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। आउटर सेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी भरेंगे जब इसके पीछे वाला सेल क्या रहेगा पूरा भर जाएगा। तो पूरा 18 इलेक्ट्रॉन में भरेगा ना, आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये टोटल जोड़ोगे तो 8 8 16 2 18 2 20 को हो गया, कई को हो गया बोला बाबू, मेरे 20 को हो गया, टोटल मेरा 20 को हो गया ना जी ठीक। तो यहाँ बाबू ये टोटल 20 को है, तो ये 8 सेल है ना, तो इसके अब इसको भरो। आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन तो भर गया, 2 से ज्यादा नहीं रखेंगे, तो बाकी जो 2 को बच रहा है कहाँ जा रहा है, तो इसके पीछे वाला सेल में भरो, क्योंकि सर इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, कई गो रह सकता है, 18 को, तो एक गो और भरो, 2 को और भरो, ठीक है। वह 2 हो गया 8 है ना बाबू, 2 8 2 10, और 10 10 आई कई गो हो गया, 10 10 20 2 22 हो गया। तो ये कौन हो गया बाबू, ये टाइटेनियम हो गया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, ये आउटर सेल में 2 है, वैलेंसी भी 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, वैलेंस यहाँ लिख देते बाबू, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंसी भी 2। एक चीज और इसमें लिख लो, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। के सेल में कई इलेक्ट्रॉन, 2, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम सेल में 10 गो आया और एन सेल में 2 गो आया। तो ये वाला जरूर लिखना है ना, ये जरूर लिख, 2 8 10 2। सर इसको लिखना होगा नीचे। हाँ हाँ तो इसको लिखो ना, के सेल एल सेल एम सेल लिखेगा ना बाबू, तो हमारे पास स्पेस नहीं है। नेक्स्ट वैनेडियम। वैनेडियम में ऐसे करेंगे सर, सजाओ। ए श्रुति ऑन करो ना बाबू, सर ऐसे तो बहुत सारा वैलेंसी 2 आ जाएगा। हाँ तो का है नहीं, बहुत सारे एलिमेंट का एक से ज्यादा, जैसे आदमी का नंबर बहुत सारे एलिमेंट का वो वैलेंसी 2 संभव हो सकते हैं, कौन से बड़ी बात है। आगे एक वेरिएबल वैलेंसी भी होता है, वो भी कंसेप्ट सिखाएंगे। नेक्स्ट वैनेडियम पे हम लोग चलते हैं, 23 नंबर, इसी में करते हैं संशोधन। 23 नंबर वैनेडियम है, 23 वैनेडियम, वैनेडियम ठीक समझना। तो 22 इलेक्ट्रॉन भरल है ना सर, तेरा में 22 को तो भरल है ही है, 23 को कैसे भरेगा। तो आउटर सेल में 2 को रखना, आउटर सेल में क्या रखना, 2 को, 2 को, 2 को, 2 को, 2 को। तो अब ये अभी तक 22 को, ये भी क्या है 22 को है, आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा, तो जहाँ जिस सेल में जगह रहेगा उसी रूम में नहीं डालेगा,
आपके रूम में बाबू जहाँ पे रूम खाली जाएगा उसी में ना बाबू ये डाले हुए गार्जियन पेरेंट्स को डालोगे, तो ये आउटर सेल में 2 से ज्यादा रह नहीं सकता सर। क्यों? क्योंकि इसके इनर वाला सेल जब तक 18 नहीं भरेगा इसमें 2 से ज्यादा रहेगा नहीं। तो एक इलेक्ट्रॉन और भरो, 23 है, तो ये कहाँ भरेगा? एरे में भरेगा। तो ये आपका हो गया वेनेडियम का, एगो एरे में भरो, वेनेडियम हो गया है ना। तो वेनेडियम के लिए के सेल एल सेल एम सेल कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एगो, 2 गो है ना, और वैलेंस कितना? 2 गो। क्रोमियम में समझना, सर तो लास्ट में फिक्स है कि दो ही होगा लास्ट वाले शेल में। तो इसका भाई डायग्राम नहीं और लास्ट वाले सेल में बनेगा। दो ही एगो, दो 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 देखो लास्ट वाले सेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी भरेंगे जब एक अंदर वाला 18 गो पूर जाएगा, तभी इसमें 2 गो से ज्यादा 3 गो 4 गो भरेंगे। जब तक अंदर वाले में 18 गो नहीं भरेगा इसमें 2 गो से ज्यादा नहीं भरेंगे, 2 गो से कम रहेगा, इसमें 2 गो से कम रह सकता है आउटर मोस्ट में, लेकिन 2 से ज्यादा तभी भरेंगे जब एरा में पूरेगा, एरा में पूरेगा 18 गो। आ जाओ क्रोमियम, आ जाओ बोला, क्रोमियम समझना इसका आ जाए। डायग्राम नहीं बनाएंगे सर, वेनाडियम का डायग्राम। तो वेनेडियम का बनाएगा ना जी, वेनेडियम इसमें भरो ना बाबू, आपको बना डायग्राम बना के रखा है ना जिसमें इलेक्ट्रॉन भरो। क्रोमियम समझो, क्रोमियम और कॉपर में बाबू आपको याद रखना है, उसको हम आपको 1s2 2s2 बताएंगे ना, तब हाफ फील्ड फुल फील्ड का कंसेप्ट है। जल्दी लिखिए, श्रुति, क्रोमियम समझो बाबू, क्रोमियम 24 नंबर, क्रोमियम समझो 24 नंबर, क्रोमियम, क्रोमियम Cr, क्रोमियम का कितना है सर? 24 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया? 24 हो गया है ना, 24 हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 24। इसको समझना है, स्टार दे दो। देखो अब अभी तक आपने हमने जो बताया सर उसके अनुसार से क्रोमियम का कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे क्रोमियम का कैसे बनाएंगे, अभी तक आपने जो बताया सर, तो आउटर सेल में 2 गो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रहेगा सर, तो एरा में तो बाबू आपको 24 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो इसमें तो 2 गो से ज्यादा हम आउटर सेल में 2 गो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भर नहीं सकते सर, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसी में भर देते, इसमें भी 18 गो तक जाएगा ना जी, थर्ड सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो अभी थर्ड सेल में कई गो? 11 गो ना पूरा जी, काउंट करो 11 गो पूरा, तो एगो और भरना है, तो थर्ड सेल में एगो यहाँ एगो भर देते हैं सर, दिक्कत क्या हो गया, बल्ले बल्ले यही हो जाएगा ना, है ना सर, ऐसा सोचते हैं कि नहीं बाबू? हमने आपको क्या बोला कि आउटर सेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे, तभी 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखेंगे जब इसका अंदर वाला 18 गो पूर जाएगा, तभी 18 गो नहीं ना पूरा, अभी 11 गो तक ना पूरा था, तो एगो और भर देते हैं, तो एक बार भर देते हैं सर, तो इलेक्ट्रॉनिक कैलिफिकेशन 12 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे समझना है ना बाबू, यहाँ पे समझना, अगर ऐसा करते बाबू है ना, तो ये भी बाबू क्या हो जाता आपका बाबू है ना, आपने जो सीखा है उसके अनुसार क्या है? सही है, लेकिन आगे आपको बाबू एक कंसेप्ट आएगा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल फुल फील्ड ऑर्बिटल, एक आएगा बाबू हाफ फील्ड और फुल फील्ड और पार्शियल फील्ड, इसको समझना, हाफ फील्ड क्या होता है? फुल फील्ड है ना, और पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल है ना, एक पार्शियल पार्शियल फील्ड। तो रूल नंबर 5 बाबू, इसको थोड़ा समझना, अभी नहीं समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा है ना, नहीं अभी समझ में आएगा, पार्शियल फील्ड होगा आपको जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 तरह से अरेंज करते हैं, ये क्या हो गया सेल हो गया, आगे आएगा सब सेल में, कैसे सर? इस तरह से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक sp(df) वाला सिखाएंगे है ना, इसके जस्ट बाद sp(df) वाला सिखाएंगे, तो उसमें जब आपको सिखाएंगे वो, तब बताएंगे जो हमारा हाफ फील्ड अप रूल नंबर 5 जो कहता है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल मेरा ज्यादा स्टेबल होता है पार्शियल फील्ड के रिस्पेक्ट में, है ना, ये थर्ड सेल है ना जी, आगे आपको डिटेल से भी बताएंगे, ये फर्स्ट सेल सेकंड सेल थर्ड सेल, ठीक, यहीं पे समझना है, क्रोमियम में स्टार दिए, तो इसलिए बाबू जब बाबू ये के इलेक्ट्रॉन जो यहाँ तो भर दिया, ठीक है अच्छी बात है, ठीक अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, तो आपको बाबू जब ये सब बताएंगे भोला मेरा, बताएंगे क्या सर, शांति से समझो, थोड़ा सा समझना खाली, नहीं भी समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बाबू इस तरह से बताएंगे, सब ऑर्बिटल में sp(df) में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कैसे आता नहीं आता, तो वहां से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसका कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और बाबू फिर 4s2
3D10 ऐसे करके होता है ना एसपीडी और पेटल में, तो यहाँ थर्ड सेल है, ये थर्ड सेल है ना, तो थर्ड सेल है बाबू। तो जब थर्ड सेल बराबर बराबर मेरा क्या होता है, हाफ फील्ड होता है, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, आगे आएगा स्टार, इसीलिए दिए। तो यही जो एक इलेक्ट्रॉन है बाबू, इसको आउटर मोस्ट सेल में नहीं रखकर हम लोग अगर यहाँ किसी मैंने इसके इनर सेल में डाल देते हैं, तो पहले के रिस्पेक्ट में आप ये क्या हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया। इसीलिए क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे आपको रूल के अनुसार, अभी आपको क्या बताया था, आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर देना, अभी इसको टोटल काउंट करोगे 24 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहुंचा ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह से लिखते हैं बाबू, तो इसका ये क्या होता है, स्टेबिलिटी क्या होता है, कम हो जाता है। कैसे कम होता है सर, थोड़ा सा 2 दिन बर्दाश्त करो, जब SPDF का कन्फिग्रेशन बताएंगे ना, तो वहां से आपको बताएंगे कि हाफ फील्ड और वाइटल क्या होता है मेरा, है ना बाबू, पार्शियली फील्ड से ज्यादा स्टेबल होता है। तो अपने स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बाबू यहाँ पे आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन इस सेल में नहीं डाल करके, हाँ इसी में हम लोग कर देते हैं, ताकि मेरा जो जो भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहे क्या रहे, स्टेबल रहे। तो अब इसका जब लिखोगे बाबू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शांति से ना, तो कैसे हो जाएगा, के सेल एल सेल एम सेल में है ना, क्रोमियम का कितना हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक हो जाएगा, वैलेंसी क्रोमियम का एक हो जाएगा, और के सेल एल सेल का जो आएगा, के सेल एल सेल एम सेल, तो के सेल में कई इलेक्ट्रॉन आएगा, ध्यान देना 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और एम सेल में कई इलेक्ट्रॉन हो गया वो 13 गो हो जाएगा, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एल सेल में एम सेल में कितना 13, और लास्ट वाला में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 2 8 13 1, इस तरह से आपका क्रोमियम का होता है, आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं। एक सर इसी तरह से कॉपर नहीं लिखो, करेगा, लिखो क्या बोले, ये कोई रूल फॉलो नहीं करेगा। ये रूल आपका रूल नंबर 5th, क्रोमियम और बाबू कॉपर में रूल नंबर 5th अप्लाई होता है। 5th क्या आपको लिखा गया, कि जो पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं बाबू, ये हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल होते हैं ज्यादा स्टेबल होते हैं फुल फील्ड से। अब ये हाफ फील्ड फुल फील्ड अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, क्यों सर, क्योंकि आगे आपको है ना बाबू सेल को फर्दर डिवाइड किया गया है सब सेल में, तो SPDF का कंसेप्ट बताएंगे ना, तो वहां पे समझ में आ जाएगा। अभी क्रोमियम और कॉपर आएगा 29 वाला है ना, 24 29 याद रखना खाली। नेक्स्ट वो जल्दी लिखिए, 24 और 29 सर आपको याद अगर रखना, 2 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, हाँ गलत हो जाएगा सर कुछ भी आउटर समझ से। में नहीं आया। सर अच्छी बात है, थोड़ा सा तेज तक आया ना, 24 वाला याद रखो, हिस्ट्री इतना याद रखती बाबू, अकबर के पापा का नाम ये था है ना, उसके बेटा का नाम ये था, इसमें भी याद रखो कि क्रोमियम का आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है ऐसे, ठीक। ठीक है सर, नेक्स्ट बाबू एगो याद रखो, क्रोमियम आएगा कॉपर में याद रखो, बाकी में वही तरीका अप्लाई करो जो सिखाए, जल्दी करो जी। क्रोमियम और कॉपर में ही बस यूज होगा ये वाला हाँ रूल। क्रोमियम एगो कॉपर 29 आएगा है ना। नेक्स्ट बाबू मैग्नीज, मैग्नीज बनाओ, मैग्नीज 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 मैग्नीज। नेक्स्ट बोला, अब मैग्नीज है सर 25 नंबर, 25 नंबर कौन है सर, मैग्नीज है 25 नंबर, मैग्नीज मैंगनीज 25 है, मैंगनीज का MN होता है। देखो तो 24 तक तो तैयार है ना जी, 24 तक तो हमारा पास तैयार है सर, ये अभी तक कौन तैयार है, 24 इलेक्ट्रॉन टोटल तैयार है, अब 25 इलेक्ट्रॉन करना, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा, आप शांति से समझना, तो आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ शांति सुनो, ये 24 इलेक्ट्रॉन तक तैयार है ना क्रोमियम जी, अब 25 इलेक्ट्रॉन भरना, तो अब 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरोगे, अंदर वाले सेल में कि बाहर वाले सेल में, है ना, अब यहाँ पे समझना, तो यहाँ पे बाबू आउटर सेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, तो हम लोग कहाँ भरेंगे, आउटर सेल में भरेंगे। तो अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो मैग्नीज है वो 1 इलेक्ट्रॉन और भरोगे, ये अभी तक टोटल काउंट करोगे तो 24 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है 24 इलेक्ट्रॉन, आप 25 भरना है, तो कहाँ से हम लोग आउटर सेल में भरेंगे, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको पेयर करो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 25 हो गया, तो ये किसका हो गया, मैग्नीज का हो गया, ये आपका किसका हो गया, मैग्नीज का, तो मैग्नीज में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 वैलेंसी 2 है ना, के सेल एल सेल में इसका लिख लो, के सेल एल सेल एम सेल,
तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम सेल में 13 गो हो जाएगा, और एन सेल में कितना 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। देखो 25 आ जाता है। तो इसी तरह से करो नेक्स्ट बाबू। ऐसो वीडियो का बंद कर लीजिए। लेको बाबू मैग्नीज, मैग्नीज का ये डायग्राम बना बाबू। जो दो बच्चा है कौन नहीं जी, रोशनी तो आ जाती है, वो तो रौनक का कहीं गया हुआ है। जल्दी इसको खत्म करो बाबू। मिस्टी थ्रेड वगैरह ला के दे बाबू, फेसियल करोगी। हाय मिस्टी बाबा धाम, आईब्रो बनाना है बाबू, एकदम एकदम सुंदर सुंदर फेस देख रहे हो, पढ़ना लिखना तो है नहीं एकदम। और नजदीक से ऐसे करो ना बाबू, ऐसे हम लोग का देखते हैं ना, ऐसे करके देखो कि नहीं मिस्टी। इसको पढ़ाई लिखाई से मतलब है नहीं, दुनिया अपन दुनिया में खोई रहती है। आयरन बाबू 26 26 भरो, 26 26। अब 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा कौन बोलेगा? ये अभी तक 25 इलेक्ट्रॉन हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा जी? 25 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक है, कहाँ भरेगा बाबू? गुनगुन ज्योति सर, एम वाले सर, के सेल है, के सेल है और एल सेल है, ई एम सेल है, ई एन सेल है। 26 26 26 26 सर एम सेल में भरेंगे। एन सेल में भरोगे बोले? यस सर। अरे शैतान क्या बताए, रूल नंबर 4 बाबू। आउटर सेल में दो, एन सेल में भर दोगे बोला तो आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो गया ना बाबू, और रूल नंबर 4 वैलिड हो गया। सर हम एम बोले हैं, ठीक है ना? आउटर सेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी सर, भरेंगे हम जब अंदर। एम बोले थे थर्ड सेल में। अच्छा ठीक है, आउटर सेल में 2 से ज्यादा तभी, वाला चीज पढ़ा रहे आप, 2 से ज्यादा तभी भरेंगे जब अंदर वाला पूरा भरेगा। तो पूरा भरा 18 को अंदर पूरा पूरा है ना? नहीं ना, जब 13 को ना पूरा है बाबू। तो अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे? आयरन में अंदर भरो, इसी में भरो, है ना? तो ये आपका हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। तो आयरन का बैलेंस है कितना? ये तो हम जा रहे सर, पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट एम सेल में कितना हो गया? 14 हो गया। आयरन का बना बाबू, आयरन लिखे बाबू। नेक्स्ट बाबू 27 कोबाल्ट, इसको खत्म करो जल्दी से। कोबाल्ट है सर, आज के लिए ऐसे दीजिए। 3 गो तो है ये जी, कोबाल्ट भरो, कोबाल्ट करो 27 करो जी। 4 गो है सर, कोबाल्ट निकलता हो गया, और कुछ करना कुछ है? नेक्स्ट बाबू 27 नंबर कोबाल्ट लिखो। 2 8 15 2 27 नंबर कोबाल्ट है। कोबाल्ट का क्या है सर? सीओ है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना सर? 2 सर। एटॉमिक नंबर लिखो जल्दी से जी, एटॉमिक नंबर 27, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 27 है ना। बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इससे आसान कुछ है जी? बैलेंस इलेक्ट्रॉन बैलेंस हमारे पास क्या बाबू? 27 है तो 26 इलेक्ट्रॉन तक पहुंचल है ना जी, 1 इलेक्ट्रॉन और भरना है तो 26 को तो पहुंचल है। अब आगे हम लोग 27 करना है, तो आउटर सेल में तो 2 गो से ज्यादा करेंगे नहीं, तो इसके अंदर वाला सेल में भरो, इसके अंदर वाला सेल में 1 इलेक्ट्रॉन डालो, तो ये आपका कोबाल्ट हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? कोबाल्ट हो जाएगा। तो कोबाल्ट का स्ट्रक्चर यही हो गया, 2 15 2 8 15 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लिखो कोबाल्ट का जी। नेक्स्ट बाबू कोबाल्ट के बाद बाबू 28 निकेल है। निकेल में कहाँ डालोगे बाबू शिवानी? निकेल में कहाँ डालोगे जी? 28 है निकेल सर, एम सेल। सर निकेल है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो लिख दीजिए और बैलेंस। दो गो है, यहाँ भी 2 गो है। निकेल NICKEL, निकेल NI, एटॉमिक नंबर 28।
आई ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 28। जल्दी बना बाबू, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस तो 28 इलेक्ट्रॉन पुराना है तो 27 तक पूरा है ना जी, कोबाल्ट में 27 तक पूरा, एगो इलेक्ट्रॉन और भरो तो एगो इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा, एम सेल में भरेगा, एरे में एगो और इलेक्ट्रॉन बढ़ाओ जी। जल्दी अच्छा बढ़ाओ जल्दी बढ़ाओ बाबू, इधर मिटा देते हैं, जल्दी ड्रा करो जी बाबू, जल्दी ड्रा करो निकेल, दो तीन को जल्दी ड्रा करो, कॉपर और फिर जिंक। साइड सर हाँ बोला निकल का वो कैसे ड्रा करेंगे, कोबाल्ट हो गया ना जी। चलो निकले को ड्रा करते बाबू, गोल गोल बनाओ जी, जल्दी जी निकल का यहाँ पे ड्रा कर देते हैं। एगो, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, दो दो चार, दो छः, दो 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा सेल में 16 हो जाएगा, दो दो चार, दो छः, दो 8, दो 10, दो 12, दो 14, दो 16, और लास्ट वाला सेल में कई हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो अच्छा दो दो, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, एरा में 2 गो, 8 गो, 16 गो, ज्यादा हो गया जी, 8 दो 10, 17 सर सो निकल 28 को का पूरा ना जी। निकल में 16 होगा। हाँ सर सही। हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट 28 हो गया, 29 बाबू, कॉपर 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 अच्छा कॉपर, कोची छोड़ दे जी, अभी तो दू 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 का पड़ा, खत्म करो इसको, गया उसको कुटाएंगे। 29 नंबर कॉपर, कॉपर में स्टार अच्छा मार दो, बोला कॉपर 29, सीयू एटॉमिक नंबर 29, कॉपर का कितना 29 है ना। सर अच्छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना 29, एक सेकंड साइड प्लीज सर। ओके ओके लो ना जी है ना, तो 29 इलेक्ट्रॉन भरो भोला। अब सोचो यहां तक कितना है सर, अब शांति से समझो, आपको 29 इलेक्ट्रॉन भरना था, 28 को है ना जी, अब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा, बोलो 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 बोलो, अब यहाँ पे आउटर समझना जी, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा, तो आउटर सेल में सर 3 गो होना हो जाएगा जी, आउटर सेल में एक सर इलेक्ट्रॉन, एम सेल में हाँ एम सेल में भर दो, अब यहाँ पे समझना, जैसी एम सेल में एक इलेक्ट्रॉन भर दिया तो ये एम सेल में कितना हो गया, 17 हो गया, अब यहाँ पे समझना है, एम सेल में 17 इलेक्ट्रॉन हो गया है ना, अब यहाँ पे मैजिक क्या होता बाबू, कॉपर में बाबू एम सेल में मैक्सिमम कई इलेक्ट्रॉन रहेगा, 18 गो, एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो अभी ये क्या पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल नहीं ना है, अभी ये पूरा भरा ऑर्बिटल नहीं है, नहीं है सर, एकदम नहीं है सर, तो अगर बाबू ये बाबू यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन, यहाँ वाला आउटर सेल वाला इलेक्ट्रॉन अगर उछल के यहाँ चल जाता तो ये ऑर्बिटल क्या हो जाता, फुलफिल्ड हो जाता, अगर बाबू एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम रहता तो 17 रहेगा, तो 17 क्या हो गया, पार्शियल फील्ड हो गया, क्या हो गया, पार्शियल फील्ड हो गया, तो आउटर सेल वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है बाबू छल के यहाँ पे चल जाता तो अब इसका इनर ऑर्बिटल क्या हो जाता, फुल फील्ड हो जाता, तो आपको रूल सर नंबर 5 ये लिखा था वेरिएबल बाबू। होगा सर, वेरिएबल बैलेंस के होगा। अच्छा ठीक, ये आपको बताया था वो जो फुल फील्ड ऑर्बिटल है ज्यादा स्टेबल होता है पार्शियल फील्ड से, तो कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यही हो जाएगा है ना, मतलब आउटर सेल में कितना, एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन जाएगा,
और बाबू इसके पैन सेल में कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये आपका कॉपर है, ये कौन है, कॉपर है। मतलब क्या सर, कॉपर में कराएंगे बाबू तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कॉपर का। तो ये 29 हो गया, वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, बताएंगे वैलेंसी 1 हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो के सेल में कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा और एक 19 हो जाएगा। नेक्स्ट भोला 20-30 नंबर जिंक। अब जिंक में कुछ नहीं है, अब अंदर वाला सेल 18 इलेक्ट्रॉन भर गया। अब हम लोग 18 में थर्ड सेल में 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं, 18 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। तो अब जो जिंक आएगा किस में जाएगा, एन सेल में जाएगा। 30 नंबर भोला जिंक, ZN एटॉमिक नंबर कितना, जो जो नहीं बनाया है ना वो कूटेंगे उसको सबको, अभी फिर चेक करते हैं। 30 हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना, 30 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 2 आ जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 2। वैलेंसी कितना, 2। तो 29 तक तो यहाँ हाई है सर, तो 1 इलेक्ट्रॉन और भरो। तो 1 इलेक्ट्रॉन अब अंदर वाला तो 18 को भरल है, ये तो रस ज्यादा नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब 29, 30 हो गया कॉपर, 30 हो गया जिंक, 31 में चलेंगे तो अब यहाँ से 3-4 इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होगा, क्योंकि 18 में बाबू अब इनर सेल में 18 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गया है, जब 18 ज्यादा तो रहेगा नहीं। अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन आएगा फोर्थ सेल में। सर उसमें 32 तक भर सकते हैं। इसमें ना, इसमें राउटर, अरे सर थर्ड सेल में 18 को ना भरेंगे मैक्सिमम जी। सेल में सर फोर्थ हाँ एरा में सेल 32 में को भर, 32 हाँ एन सेल में 32 भर सकते हैं। 2 हो गया, 8 हो गया, 18 हो गया और 2 हो गया, लिखो इतना। 31 कौन सा थर्टी ना, मतलब हम लोग के 30 तक है, आप 20 तक है, आपको 10 को एक्स्ट्रा बता दिए। एक वो कहानी सुनाएंगे सर चूहा वाला, ठीक है बाबू राज ज्योति, सर हम लोग 30 तक ही पढ़ना है। नहीं 20 तक पढ़ना। सर बाय सर बाय बाय बब्बू, बाय। बाय गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग बोले। अरे मैंने आपको फेयर और होमवर्क भेजा था, आपने देखा ही नहीं। से टाइम से आपको बोलते बाबू कि 4 बजे, 4 बजे तक भेज दो, लेट भेज दो कि क्लास रहता है ना, तो कैसे सर मैंने चेक करें। 4 बजे भेजा था।